आज मैं आपको लड़कों के कुछ वो टाइप बताने वाली हूँ जो लड़कियों को कतई पसंद नहीं आते। लड़कियां बहुत दूर रहती हैं इस तरह के लड़कों से, वो दूर भागती हैं, वो पसंद नहीं करती। सो अगर आप इस टाइप की हो जो मैं बताने वाली हूँ तो सुधर जाइए, आपके आसपास कोई भी लड़की नहीं भटकने वाली अगर आप ऐसे हैं तो। कैसे हैं तो, पहला, अगर आप रोड छाप रोमियो हो। अक्सर ऐसे लड़के होते हैं जो ना लड़की के पीछे पड़ जाते हैं गंदे तरीके से, ये दिखाने के लिए कि वो कितना प्यार करते हैं उस लड़की को। यकीन मानिए, पीछे पड़ना, वो रोड पे खड़े होके आशिक की तरह बातें करना, गाने गाना, देखकर कमेंट कसना, ये गंदी घटिया हरकतें लड़कियां पसंद नहीं करती। तो अगर आप ऐसे हो और आप ये चाहते हो या फिर ये सोचते हो कि आपकी इस हरकत से वो लड़की जिसके लिए आप ये कर रहे हो वो इम्प्रेस हो जाएगी, तो कतई ऐसा नहीं होने वाला। वो कभी भी आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाली। इनफैक्ट वो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत भी करती हो। इस तरह की हरकतों से आप उसकी नजरों में अपनी इज्जत भी गवा देंगे। तो रोड छाप रोमियो बनने की कोशिश ना करें, ना बने, सुधर जाए। लड़कियां दूर रहती हैं ऐसे लड़कों से। दूसरा, वो लड़के जो काम धंधा नहीं करते, जो कुछ कमाते नहीं है। देखिए, कमाना कंपल्सरी है, इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, इस चीज को समझ लीजिए। तो लड़के जब तक कमाते नहीं है, लड़कियों को भाते भी नहीं है। कमाना शुरू कर दीजिए। किसी को पसंद नहीं आता कि लड़का सुबह घर से निकल जाए, रोड पर घूमे, दोस्तों के साथ में इधर उधर हांटे और उसके बाद लड़की को प्रपोज करे और बताए अपने हाथ पर उसका नाम लिखे कि देख मैं कितना प्यार करता हूँ। इस तरह के आशिक किसी को पसंद नहीं आते। तो आशिक बनने से पहले लायक बन जाइए। अगर आप कमाते हैं, एक डिसेंट सैलरी आपकी है, एक हैंडसम सैलरी आपकी है, उसके बाद अगर एक लड़की को प्रपोज करेंगे तो आपका काम बन सकता है। बट ठल्ले बेकार आदमी को कोई पसंद नहीं करता, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते। साथ ही साथ साफ सफाई का ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि पता चले आपकी बॉडी में से दुर्गंध सी आ रही है, चार दिन नहाए नहीं हो, उसके बाद आप लड़की के इर्द गिर्द घूम रहे हो, ये काम ना करें। ये वैसे भी आपको समझना चाहिए यार, ये तो बेसिक सी चीजें हैं कि अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना कितना जरूरी है, अपने लुक्स पर ध्यान देना कितना जरूरी है। आप फीचर्स नहीं बदल सकते, अलग बात है, लेकिन अपने आप को ठीक ठाक तरीके से, ठीक ठाक कंडीशन में तो रख सकते हैं ना, वो रखिए। जब आप डिसेंट दिखते हैं ना तो लड़कियों की निगाहें आप पर अपने आप ही जाती हैं। देखा है ना कितनी बार लड़कियां देखकर बात करती हैं, यार कितना हॉट लग रहा है वो लड़के, चाहे अंदर से कैसे भी हो, एटलीस्ट देख कर तो लड़कियों का दिल आ ही जाता है ना, देख कर तो लगता ही है ना कि वाओ क्या बात है। तो ये करना जरूरी है। अगर आप डिसेंट नहीं दिखते हैं तो एटलीस्ट बेकार मत दिखिए। पता चले गंदे से कपड़े पहन के, बिना नहाए धोए आप कहीं पर भी घूम रहे हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि लड़की आपको पसंद करेगी, कतई नहीं करेगी। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते, और ना ही लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो रोड पे खड़े हुए बाकी लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। इसके साथ ही लड़कियों को वो भी लड़के पसंद नहीं आते जो बाकी लड़कियों पर कमेंट कसते रहते हैं भद्दे भद्दे। ऐसा अगर आप कर रहे हैं ना, सुधर जाइए। लड़कियां सबसे ज्यादा हेट इन्हीं घटिया लड़कों को करती हैं जिन पर कोई काम धंधा नहीं है लड़कियों को छेड़ने के अलावा। लड़कियों को कभी अच्छे नहीं लगते। मैनी टाइम कुछ ऐसे बेवकूफ लड़के हैं जो ये समझते हैं कि लड़कियों को छेड़ने से वो कूल दिखते हैं। नहीं, आप निहायत ही बेशरम और घटिया दिखते हैं जब आप लड़कियों को छेड़ते हैं। इस तरह की हरकत कतई ना करें, लड़कियों को पसंद नहीं आता। एक और चीज जो अक्सर लड़के करते हैं, आप लोग करते हो, लड़कियों को डीएम करते फिरते हो कि यार यू आर लुकिंग सो हॉट, ये मेरा नंबर है, प्लीज कॉल मी बैक, आई लव यू, पता नहीं क्या क्या आप डीएम करते हो और आपको लगता है कि वाओ। अब लड़की सामने वाली मैसेज खोलेगी, देखेगी, पढ़ेगी और मेरे ऊपर मर जाएगी? नहीं, वो ओपन करेगी, देखेगी और आपको ब्लॉक कर देगी, फिर दोबारा आपका शक्ल देखना पसंद नहीं करेगी। तो ये डीएम करते फिरते हो ना आप लड़कियों को, इससे आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। और इस हरकत से जो इम्प्रेस होगी वो खुद भी आप जैसी ही होगी जो बाकियों को डीएम करती फिरती है, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं
कि लड़की आपको डीएम करे तो आप इस काबिल बन जाइए। अपने स्टेटस पर, अपने लुक्स पर, अपनी पॉकेट पर काम कीजिए, इसे बढ़ाइए, फिर देखिए लड़की आपको डीएम करेंगी। और बात तो यही बनने में है ना कि लड़की आपको पसंद करे। लड़कियों के पीछे भागने में कोई मजा नहीं है लाइफ में, यकीन मानिए। मजा वो है जब लड़कियां कहें कि यार वाओ क्या लड़का है, और आपको डीएम कहें कि यार प्लीज कॉल मी वंस, यू नो अपना नंबर दिया, कहेंगे यार एक बार बात कर लो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, इसमें है कोई बात। तो करना है तो ये करो, डीएम करते हुए ना फिरो। इसके साथ ही जो आप लोगों का लाउड बिहेवियर होता है ना, ये भी बड़ा बचकाना, बड़ा भद्दा लगता है। अक्सर क्या होता है, आप जब पब्लिक में खड़े होते हो तो आप बहुत लाउड बिहेव करते हो, बहुत ज्यादा चीख चीख कर बातें करते हो अपने दोस्तों से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को नोटिस करवा रहे हो, आप दूसरों की अटेंशन लेना चाहते हो, वहां पर जो लड़कियां हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो, इस वजह से आप ऐसी हरकतें करते हो। और लड़कियां नो डाउट आपको देखती भी हैं और आपको लगता है कि यार वाओ देखो, देखा ना इसने, अभी पसंद कर रही है, क्योंकि वो लड़कियां आपको बार बार देख रही होती है। बट आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होता शायद कि वो आपको इसलिए नहीं देख रही कि आप बड़े कूल लग रहे हो, वो इस इरिटेशन के साथ में देख रही होती है कि यार कैसे है लड़के शोर कर रहे हैं, जाते क्यों नहीं है, इनकी वजह से तो बैठना ही मुश्किल हो गया, शोर मचा रखा है, ये चल रहा होता है उनके दिमाग में। और इसी थॉट की वजह से वो आपको देखती है बार बार, क्योंकि वो चाहती है कि वहां से उठ के चले जाओ। जो आपका लाउड बिहेवियर है, जो चीखना चिल्लाना है, जो यू नो यार यार करके अपने दोस्तों से बातें करना है, वहां पर जहां बैठे हो पब्लिक प्लेस पर, वहां पर जो हल्ला आपने मचा रखा है ना, वो लड़कियों को पसंद नहीं आता। तो इतना लाउड बिहेवियर कभी ना करें, ये एटिकेट्स नहीं है। तो वैसे भी आपको सोशली भी इन चीजों को समझना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा आपका बिहेवियर डिसेंट हो, थोड़ा सा शांत हो, साथ में जो बैठा हुआ इंसान है वो आपसे इरिटेट ना हो, आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से। इन चीजों को वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और लड़की के पर्पस से भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ये सब पसंद नहीं करती। इसके साथ ही लड़कियां उन लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो दो बार मना करने के बाद भी तीसरी बार मुंह उठाकर चला आता है प्रपोज करने के लिए उनको। लड़कियां हेट इट, यू नो मेनी टाइम आपको जब कोई लड़की पसंद आती है ना, तो आप बस पीछे पड़ जाते हैं, और आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, वो मना कर रही है करने दो, मेरा काम है उसके पीछे पड़ना, और मैं पीछे पड़ूंगा जब तक हाँ नहीं करेगी। ये जो आपकी अप्रोच है ना, वो बहुत गलत अप्रोच है। लड़की एक बार प्यार से मना करती है, दो बार प्यार से मना करती है, थर्ड टाइम उसको आपसे नफरत होने लगती है, थर्ड टाइम आप जाएंगे तो वो आपको यू नो हेट करती है कि यार क्यों आ रहा है, कितना बदतमीज है, इसको समझ नहीं आता क्या, मैंने क्या बोला है। इस तरह का बिहेवियर होता है लड़कियों का, ऐसी सोच होती है लड़कियों की आपके बारे में। सो इस तरीके से हाथ धोकर पीछे पड़ने वाले लड़कों को भी लड़कियां पसंद नहीं करती। सो नेवर एवर डू दिस। अगर एक लड़की आपको रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लीजिए और मूव ऑन कर जाइए। सो ये पांच टाइप उन लड़कों के हैं जिनको लड़कियां बहुत हेट करती हैं, वो हरकतें हैं जिन हरकतों को लड़कियां पसंद नहीं करती। अगर आप ऐसे हैं या ऐसा बिहेव करते हैं तो अभी सुधार लीजिए अपने आप को, वरना आपके आस पास कोई लड़की कभी नहीं भटकेगी, ये श्योरिटी है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में स्टिल कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। इस कॉल के मिनिमम से चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। नाउ मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।